नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कैटरेक्ट क्या होता है, इसके होने के पीछे क्या कारण है, क्या इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं और किस प्रकार इसको होम्योपैथिक दवाओं से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़ रहिएगा वीडियो के अंत तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मोतियाबिंद या फिर कैटरेक्ट किसे कहा जाता है। दोस्तों जो हमारी आँखें होती हैं इसमें जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है पपेस, उसके पीछे एक लेंस पाया जाता है। अगर वह लेंस धुंधला होने लगे तो जिसके वजह से जो मोतियाबिंद की परेशानी है वो दिखाई देने लगती है। अगर वो धुंधला होने लगता है तो जो आपको वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो धुंधली दिखाई देती है, जिस कंडीशन को मोतियाबिंद या फिर कैटरेक्ट कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में, इसके कारण के बारे में। मोतियाबिंद होने के पीछे के क्या कारण है, तो दोस्तों जो इसका पहला कारण है एज। दोस्तों अगर जिन लोगों की उम्र बढ़ती चली जाती है 45 या 50 के बाद की जो उम्र होती है, उस उम्र के बाद या फिर उस उम्र में आने पर जो मोतियाबिंद की परेशानी है, कैटरेक्ट की परेशानी है, वो अधिकतर देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके अगले कॉजेज के बारे में, तो दोस्तों जो इसका अगला कारण है डायबिटीज़। दोस्तों जिन लोगों को डायबिटीज़ की परेशानी होती है, मधुमेह की शिकायत होती है या फिर शुगर की शिकायत होती है, तो शुगर की वजह से भी जो मोतियाबिंद की परेशानी है वो अधिकतर देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसके अगले कारण के बारे में, तो दोस्तों जो इसका अगला कारण है अल्कोहल। दोस्तों जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, बीड़ी सिगरेट का यूज़ करते हैं, उन लोगों में भी जो कैटरेक्ट की परेशानी है वो अधिकतर देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसके अगले कारण के बारे में, तो दोस्तों जो इसका अगला कारण है अल्ट्रावायलेट रेज। दोस्तों जो लोग एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे वगैरह करते हैं, जो डॉक्टर्स या फिर एक्सरे टेक्नीशियन जो होते हैं, उन लोगों में भी कैटरेक्ट की समस्या अधिकतर देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसके अगले कारण के बारे में, तो दोस्तों जो इसका अगला कारण है, जो लोग बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ करते हैं खाने में, तो उन लोगों में भी जो कैटरेक्ट की समस्या वो देखी जा सकती है। अगर बात करें इसके अगले कारण के बारे में, तो दोस्तों जो इसका अगला कारण है ओबेसिटी। दोस्तों जो लोग मोटे ज़्यादा होते हैं, मोटे लोगों में भी जो कैटरेक्ट की समस्या वो अधिकतर देखने को मिल सकती है। दोस्तों जो इसका अगला कारण है अरे दोस्तों ट्रोमा। दोस्तों ट्रोमा के केस में भी अगर किसी को चोट लग जाए आँख में या कोई ऑब्जेक्ट चले जाए, कुछ कीड़े जाए, तो उसके वजह से भी कैटरेक्ट की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, मोतियाबिंद या फिर कैटरेक्ट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला सिम्टम दिखाई देता है क्लाउड विजन। दोस्तों जिसमें विजन होता है वो धुंधला होने लगता है, आपको कोई भी चीज़ धुंधली दिखाई देती है। जैसे आप कोई शीशा अगर देखें तो अगर उस पर धूल जमी है, अगर उसके आप आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सामने की चीज़ धुंधली दिखाई देगी। इसी ऐसा ही मोतियाबिंद के केस में होता है, तो मोतियाबिंद में भी अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं वो थोड़ी धुंधली दिखाई देती है। दोस्तों बात कर रहे हैं इसके अगले सिम्टम्स के बारे में, तो दोस्तों जो इसका अगला सिम्टम्स है, दोस्तों जो मोतियाबिंद के केस में अगर कई बार जो कलर कलेक्शन होता है वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो किसी चीज़ का अगर कलर डार्क है तो अगर जो मोतियाबिंद का पेशेंट होता है वो उसको थोड़ी लाइट सी दिखाई देती है, मतलब हल्के कलर में दिखाई देती है। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले सिम्टम्स के बारे में, तो दोस्तों जो इसमें अगला सिम्टम्स देखने को मिलता है, दोस्तों जो हमारी आँख होती है इसमें जो बीच वाला पोर्शन होता है पपेल्स जिसको बोलते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो जो मोतियाबिंद का पेशेंट होता है उसको ब्लैक की वजह थोड़ा वाइट सा दिखाई देता है। बात करते हैं इसके अगले सिम्टम्स के बारे में, तो दोस्तों जो इसका अगला सिम्टम्स है डबल विजन। दोस्तों मोतियाबिंद के केस में कई बार दोहरी दृष्टि दिखाई देती है, जैसे अगर कोई बल्ब चल रहा है, अगर मोतियाबिंद का पेशेंट उसको देखता है तो कई बार उसको ऐसा लग सकता है कि जो एक अगर एक बल्ब चल रहा है तो उसको महसूस होता है कि दो बल्ब चल रहे हैं, तो डबल विजन भी इसमें एक समस्या देखी जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती है कैटरेक्ट या फिर मोतियाबिंद के लिए। तो दोस्तों जो पहली मेडिसिन है सिनेरिया मैरिटिम आई ड्रॉप। दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है कैटरेक्ट या मोतियाबिंद की बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो मोतियाबिंद की परेशानी है वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। दोस्तों बात करें इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो मेडिसिन होती है बिल्मर स्वाबे एक कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक जर्मनी की कंपनी है। अगर बात करें इसकी एमआरपी के बारे में, तो लगभग 200 रुपये इस पर एमआरपी आती है। दोस्तों बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है साइलिशिया 30। दोस्तों जो साइलिशिया मेडिसिन होती है
मोतियाबिंद की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को मोतियाबिंद की शिकायत है और उसके हाथों पर पसीना आता है, पैर के तलवों पर पसीना आता है, तो अगर आप साइलेंशिया मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे कैटरेक्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा इस मेडिसिन के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है कल्केरिया फ्लोर 6x। दोस्तों जो कल्केरिया फ्लोर मेडिसिन होती है ये भी मोतियाबिंद की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मोतियाबिंद के होने के पीछे चाहे कोई भी कारण हो, उस कारण को दूर करके जो मोतियाबिंद की शिकायत है उसको दूर करने का काम जो कल्केरिया फ्लोर मेडिसिन होती है वो करती है। दोस्तों बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है सल्फर 200। दोस्तों जो सल्फर मेडिसिन होती है ये भी मोतियाबिंद की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को मोतियाबिंद की शिकायत है और इसके साथ साथ अगर किसी को स्किन की शिकायत रहती है जैसे सोराइसिस, एक्जिमा या स्किन की और कोई परेशानी है, फिर उसके साथ मोतियाबिंद की परेशानी है, तब आप अगर सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो बात करें इसके डोज के बारे में, तो दोस्तों इसकी डोज आपको इसके लेनी है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है यूफ्रेसिया 200। दोस्तों जो यूफ्रेसिया मेडिसिन होती है ये भी काफ़ी अच्छा काम करती है कैटरेक्ट के लिए। साथ ही अगर किसी को मोतियाबिंद की शिकायत है और उसको आंखों से आंसू आने की शिकायत है या फिर सर्दी या जुकाम रहने की समस्या है, तो उस कंडीशन में अगर आप यूफ्रेसिया मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपको कैटरेक्ट की समस्या है पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 2-2 बूंद सुबह और शाम दिन में 2 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जिनके इस्तेमाल से अगर आपको मोतियाबिंदी या फिर कैटरेक्ट की समस्या है तो अगर आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो परेशानी है वह कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।